passive and active dividend policies module number 233 and this is our course of financial management in this discussion that we are having in the last few modules we are building a base for the discussion of dividend policy and in this module we'll be talking about the two contrasting dividend policies which are Active and passive dividend policy. The word passive means that something which is not active, something which is not moving, something which is considered to be not with a particular objective, and that variation exists in the other policy that is called active dividend policy, where we have got certain objectives, certain targets to meet. And accordingly, a policy is set. But with reference to dividend policy, that is a passive dividend policy, it also has a specific meaning. And we also call this the dividend passive residual. Residual ka matlab hai bacha kucha. So, here when we say passive residual, we mean the profit which is the residual profit. bacha kocha profit. Asa profit jiski hame apni business kender zarurat nahi The question will be: why there is such profit which is not required in the business? The answer is that profit once earned by a company or by an organization can either be reinvested in the business or it can be distributed amongst the shareholders. Now, if it has to be reinvested, दैन देयर हैज़ टू बी री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन द बिज़नेस यानी मेरे पास अगर मैं कोई टेक्सटाइल फर्म चला रहा हूँ या मैं कोई और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो जो प्रॉफिट मैंने अर्न किया है ये अपने बिज़नेस की एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल हो सकता हो या प्रोडक्ट लाइन को डेवलप करने में या उसको डाइवर्सीफाई करने में अगर मेरे पास इस प्रॉफिट को जो मैंने अर्न किया है बिज़नेस में री इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मैं कहूँगा कि ये मेरा रेजिडुअल प्रॉफिट है डिविडेंड पैसिव पॉलिसी यही कहती है कि सिर्फ वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड की शक्ल में दिया जाए जो कि बचा हुआ प्रॉफिट हो यानी जिसकी री इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बिजनेस में मौजूद ना हो यहाँ एक और पॉइंट बड़ा अहम है और वो ये है कि अगर ये प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को दे दिया जाए तो क्या वो उसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते डेफिनेटली दे आर इन्वेस्टर्स एंड दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन दिस बिजनेस एंड दैट इज द पॉइंट दैट इफ इन्वेस्टमेंट इज मेड इन योर कंपनी इन योर बिजनेस इट इज बिकॉज इन्वेस्टर्स थिंक दैट दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द मनी एंड इफ यू हैव

लेकिन इरेलीवेंस पॉलिसी ये कहती है कि डिविडेंड का पे किया जाना या ना पे किए जाना इन्वेस्टर के लिए एक जैसा है इन्वेस्टर्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एंड द सेकेंड थिंग जस्ट एक्सप्लेन एंड दैट इज पैसिव रेजिडुअल रिफर्स टू लेफ्ट ओवर प्रॉफिट हैविंग नो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इस टर्म को भी हमें जहन नशीन करना चाहिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद है यानी अगर वो अमाउंट ऑफ़ प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जानी है अगर शेयर होल्डर्स के मुकाबले में कंपनी खुद री इन्वेस्ट करके उस पर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है शेयर होल्डर्स के मुकाबले में तो हम उसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का नाम देते हैं नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द अदर साइड ऑफ द पिक्चर विच इज़ द एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी यानी यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डिविडेंड कैसे पे किया जाए कितना पे किया जाए उसके क्या फ़ायदे हैं उसके लिए हमारी क्या ज़रूरत है हमारे ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है एंड ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी सो द फर्स्ट थिंग विच दिस एक्टिव पॉलिसी स्टेट्स दैट डिविडेंड इज़ नॉट जस्ट अ पैसिव रेजिड सो द दैट वेदर यू हैव एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और नॉट एंड देन पे डिविडेंड इज नॉट करेक्ट सो इट इज द निगेशन ऑफ़ द फर्स्ट पॉलिस द सेकेंड इज दैट इन्वेस्टर्स वो हैव डिविडेंट इसको हम और आगे चल के जब रेलिवेंस पॉलिसी की मज़ीद डिस्कशन करेंगे तो देखेंगे कि शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस डिविडेंड कैश की शक्ल में लेना होती है एंड वाई इज इट सो बी एलेबोरेटेड इन मोर डिटेल

द स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड और इसको भी हम अपने अगले मॉड्यूल में देखेंगे एंड देन हाउ टू बैलेंस द डिविडेंड पे आउट रेशो एंड द ग्रोथ ऑफ द कंपनी ये दोनों चीज़ें बहुत हैं हमें एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी के अंदर मैनेजर्स दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए ये फैसला करते हैं कि उन्हें डिविडेंड कितना पे करना है यानी अगर शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस डिविडेंड है तो देर हैज़ टू बी अ डिविडेंड पे आउट एंड साइमल्टेनियसली इफ द कंपनी वॉन्ट्स टू ग्रो देन इट ऑल्सो हैज टू रिटेन सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू री इन्वेस्ट इन द बिजनेस सो इस डिस्कशन को हम यहाँ पर इस तरह ख़त्म करते हैं कि बुनियादी तौर पर दो ही पॉलिसीज़ हैं जो कि डिविडेंड uh, से रिलेट करती हैं पहली एक्टिव पॉलिसी या पहली पैसिव पॉलिसी कह लीजिए और दूसरी एक्टिव पॉलिसी पैसिव पॉलिसी के अंदर हम ये फैसला सिर्फ इस बात पर छोड़ देते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं लेकिन एक्टिव पॉलिसी के अंदर हम ये फ़ैसला और बहुत सी चीज़ों को सामने रखते हुए करते हैं जैसे कि शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस क्या है जैसे कि कंपनी कितना ग्रो करना चाहती है जैसे कि उस पर इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस कितनी है वील हैव मोर एलेबरेटिव डिस्कशन वैन वील मूव इन टू द डिटेल्स ऑफ दीज रेलिवेंस एंड इलेवेंस पॉलिसीज ऑफ डिविडेंड।